प्रयागराज कुंभ में अलग अलग रंग रूप में साधु संत नजर आ रहे हैं। हर साधु की अपनी अलग कहानी है। उन्हीं में से एक हैं आवाहन अखाड़े के महाकाली बाबा, जो 13 सालों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गोहत्या बंद नहीं होगी और राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, तब तक वे एक ही पैर पर खड़े रहेंगे। किया जाए जी। तो कितने साल हो गए आपको? 10 साल हो गए। तो ये क्यों तपस्या का ये क्या था, आपने कैसे सोचा? ये ऐसे एक जो कहीं जाते हैं, हाँ भाई कहीं जंतर मंतर बजाओ, फिर आएंगे 6 महीने सुनाई होगी। तो अब सब सीधे अपना भोलेनाथ से कराक, हाँ भाई करो कुछ उपाय, सोचो, वही सोचेंगे और क्या। तो बाबा जी, जब 10 साल लगभग आपके पूरे हो गए, तो ये जो तपस्या है आपकी एक पैर में खड़े होने की, ये कब तक जारी रहेगा? ये देखो 12 साल का तो बुला हुआ, आगे गुरु महाराज की आज्ञा, जैसे गुरु महाराज कहेंगे उसे। जी, तो ये आप बराबर चलती है। तो निद्रा अवस्था भी आपका इसी में, ये जो कुछ अपना थोड़ा बहुत आ गया नहीं, खाना पीना 9 साल कुछ खाया नहीं, चाय पानी में रहा। अब एक आध रोटी लेने लगे एक टाइम पे। राम मंदिर का ये भी जो करे, इस पर भी पूरा जोर शोर चल रहा, इसको तो कहीं कहीं राम मंदिर भी इसमें पूरी तरीके शामिल है, पूरे जैसे बहुत ही काफी है। अब भी नहीं बना तो इन पर 7 पीढ़ी से बनना भी नहीं है, तो जो है अपना आराम से हो। जब योगी दोनों जो बाबा जिनके चेला, और फिर भी जो राम मंदिर नहीं बनवा पाए। गिरी जी हैं जिन्होंने बताया कि 13 साल से लगभग उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और उन्होंने जब ये खड़ा होने की तपस्या रखी है, दोनों पैर से जो खड़ा होते हैं, एक पैर कभी इधर कर लेते हैं जो दर्द के हिसाब से। उन्होंने यह भी बताया कि ये तपस्या सिर्फ गौ हत्या जो बंद हो, देश में लगातार गौ की जो हत्याएं हो रही वो बंद हो। इसके साथ साथ एक नया और मुद्दा सामने आया जो राम मंदिर को लेकर, जो राम मंदिर के निर्माण में देरी हो रही, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जितने साधु महात्मा है वो कहीं ना कहीं अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। ईटीवी भारत से सुमित यादव, प्रयागराज।